Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine at home. I myself, Sheikh Sumaiya, on behalf of SDMES Boys English Medium Primary School from Standard 2nd, we're going to teach you today subject English 1. Our today's topic is Grammar Worksheet 1, and this is from Cherry Book, Semester 1. Okay, let's start our studies. देखो ये ग्रामर वर्कशीट है जो हम लोगों की चेरी बुक है ना जिसमें हम लोग इंग्लिश वन करते हैं ये वही बुक का है. ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ब्लू जैकल का लेसन देखा था ये उसी के बेसिस पर है. फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो पिक द मेल एंड फीमेल नेमिंग वर्ड्स एंड राइट देम इन द कॉलम्स टू मेक पेयर्स. यहाँ पर हम लोगों को ये हेल्प बॉक्स में देखो कुछ नेम्स दिए हुए हैं, है ना, ये नेम्स दिए हैं, इनको हमको मेल और फीमेल अलग अलग करना है. मेल यानी कौन सा, जो मैन होते हैं उनको हम मेल कहते हैं और जो गर्ल या वुमन होते हैं उन्हें हम फीमेल कहते हैं. तो यहाँ जो नाम दिए हैं ना उसको हमको मेल, तो मेल हो तो ये बॉक्स में लिखना है और फीमेल हो तो ये वाले बॉक्स में लिखेंगे. जैसे कि देखो ये क्या है, काव, सी ओ डब्ल्यू काव. काव कौन है, एक फीमेल है. एम ए आर ई मेर, मेर भी एक फीमेल है. यानी हॉर्स होता है ना, हॉर्स के फीमेल को हम मेर कहते हैं. बी यू डबल एल बुल, ये मेल है. बी आर आई डी ई ब्राइड, ब्राइड यानी कि दुल्हन, तो हम फीमेल कहेंगे. हॉर्स, हॉर्स को मेल. ब्रदर, ब्रदर यानी भाई यानी मेल. ग्रूम यानी कि दुल्हा होता है ना उसको हम ग्रूम कहते हैं, तो वो मेल आएगा. सन यानी लड़का, तो मेल होगा. सिस्टर यानी बहन, फीमेल. पीकॉक, पीकॉक मेल है. डॉटर यानी लड़की, तो वो फीमेल आएगी. और पीहेन, जैसे पीकॉक मेल है ना वैसे पीहेन उसका फीमेल है. तो हमको यहाँ पर मेल लिखना है और सामने उसी का फीमेल लिखना है, है ना. जैसे कि अभी मैंने बताया कि ब्रदर मेल है और ब्रदर का फीमेल कौन आएगा, तो सिस्टर. तो ब्रदर के सामने ही आपको सिस्टर लिखना है. तो चलो हम यहाँ पहले ढूंढते हैं काव, सी ओ डब्ल्यू काव. काव फीमेल है वो यहाँ लिखेंगे. एम ए आर ई मेर, मेर फीमेल है वो भी यहाँ लिखेंगे. देन बी यू डबल एल बुल, बुल तो वो काव के मेल को हम बुल कहेंगे, उसको हम यहाँ लिख लेंगे. बी आर आई डी ई ब्राइड, ब्राइड यानी दुल्हन, तो वह मेर के नीचे लिख देंगे. देन हॉर्स, हॉर्स किसे कहेंगे, मेर के मेल को, है ना, वो यहाँ पर लिखेंगे. देन ब्रदर, ब्रदर, अब यहाँ काव, मेर और ब्राइड हम लोगों ने लिखा है तो उसके सामने नहीं लिखेंगे पर फोर्थ नंबर पे लिखेंगे हम ब्रदर. देन ग्रूम, तो ब्राइड के सामने लिखना है ग्रूम. सन, सन फिफ्थ नंबर पे लिखेंगे. अब सिस्टर कौन होगा, ब्रदर का फीमेल सिस्टर. देन पीकॉक में हम नीचे लिखेंगे नंबर सिक्स पर. डॉटर, डॉटर यानी सन और डॉटर यानी बेटा और बेटी होते हैं ना वैसे. और पीहेन हम लिखेंगे पीकॉक के ऑपोजिट में, है ना. तो इस तरह से आप लोगों को मेल और फीमेल कंप्लीट करना है और समझना है कि बुल और बुल का फीमेल काव. यानी कि हम अगर पैर में बोलें तो कैसे बोलने का, बुल काव. हॉर्स मेर, ग्रूम ब्राइड, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, पीकॉक पीहेन, तो हम लोगों को याद भी रहेगा. ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. राइट फाइव सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट एनिमल. आपका जो फेवरेट एनिमल है उसके ऊपर आपको यहाँ फाइव सेंटेंसेस लिखने हैं. टीचर ने डॉग के बारे में लिखा है, आप अपने हिसाब से दूसरे एनिमल के बारे में भी लिख सकते हो. माय फेवरेट एनिमल इज अ डॉग, है ना, मेरा फेवरेट एनिमल डॉग है. माई फेवरेट एनिमल इज़ अ डॉग बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट एनिमल्स. मेरा फेवरेट एनिमल डॉग क्यों है, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट एनिमल है. एंड मैनी मोर रीजन्स, और बहुत से रीजन्स है जिससे डॉग मुझे बहुत पसंद है. आई लाइक टू प्ले विथ डॉग्स, डॉग्स के साथ मुझे खेलना भी बहुत पसंद है. सम डॉग्स आर फरी, सम डॉग्स फरी होते हैं यानी उनके जो वाइट वाइट बाल होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत डॉग पसंद करते हैं, जो पालते भी हैं, तो ऐसे डॉग्स के ऊपर जो होते हैं फेदर, फर कैसे होते हैं, एकदम वाइट वाइट और रेशमी होते हैं.
वाइल सम आर नॉट. और जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, देखना उनके ऊपर बाल नहीं दिखाई देते, उनके बहुत पतले पतले जीने जीने होते हैं. पर जो पेट डॉग होते हैं ना, ज़्यादातर वो लोग फरी होते हैं. आई लाइक डॉग्स वेरी मच, मुझे डॉग बहुत पसंद है. और डॉग्स की सबसे मेन बात क्या होती है पता है, कि वो बहुत लॉयल होते हैं, बहुत वफादार होते हैं. वो आप लोगों के घर की रखवाली भी बड़े अच्छे से करते हैं, है ना. उन्हें वॉचमैन भी कहा जाता है. तो यहाँ पर हम लोगों ने ये ग्रामर वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट की है. आप लोगों को अपनी चेरी बुक में कंप्लीट करना है. कोई भी इश्यूज़ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो. वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे. हैव अ गुड डे चिल्ड्रन, टेक केयर, थैंक यू.